गाइस इंडिया में मुश्किल से कोई आपको साइकिल पे ऑफिस जाते दिखेगा, लेकिन ये चीज बाहर के देशों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पे ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहां की कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पे ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती है। जी हाँ गाइस, वहां पर हर एक किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए एम्प्लॉइज को लगभग 16 रुपए दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। पहला, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, दूसरा फ्यूल कंजप्शन को कम करना, और तीसरा फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। गाइस क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ये घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से, उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई, और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, चैट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस जमीन के ऊपर इंसानों की बस्ती, ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन क्या आपने कभी जमीन के नीचे पूरा का पूरा गांव बसते देखा है? जी हाँ गाइस, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव है जो कि पूरा का पूरा जमीन के नीचे, यानी कि अंडरग्राउंड में है, जिसमें लगभग 3500 के करीब जनसंख्या है। और वहां पर आपको नॉर्मल घरों के अलावा लग्जरियस घर भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर स्विमिंग पूल तक बना हुआ है। गाइस जमीन के नीचे रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे, और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑर्थर हॉग ने एक मिस्टीरियस, यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्लेनुमा, यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है? उसके पीछे का रीजन है यहां के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहां के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का ही बनाते हैं, मतलब पढ़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राई करो, लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी तो आनी है। लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहां के लोग अपने बच्चों को बिजनेस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना में जहां एक और हर 45 में से एक बंदा बिजनेस मेंटेलिटी का है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है, वहीं ये आंकड़ा इंडिया में 17,000 में से एक है। अब आप सोचिए कि जहां जॉब जनरेट ही नहीं होगी, वहां पर जॉब लगेंगी कैसे? गाइज अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बेरोजगारी ज्यादा क्यों है। गाइज ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।